अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो भाई लोग क्या हाल चाल आप लोगों के? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो भाई लोग आपको दो न्यूज़ देनी है, तो खुशी की न्यूज़ है, दूसरी बैड न्यूज़ है। फर्स्ट खुशी की न्यूज़ देते हैं, बाद में सैड करते हैं थोड़ा सा। खुशी की न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब में माशाल्लाह से एक जो है खारजी लोगों के लिए बहुत अच्छी मतलब खबर दी है उन्होंने, गुड न्यूज़ दी है कि आप इजीली मतलब सऊदी अरब का वीज़ा विजिट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा दूसरा, या फिर आप मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं कर सकते, किसी से करवा लें, नहीं तो आप जो है शॉप, ट्रैवल शॉप जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई कर लें। और ये सिर्फ मतलब जो है गल्फ कंट्री में रहने वाले, मतलब कतर, कुवैत, बहरीन, मस्कत, ओमान या दुबई वगैरह में जो हैं, या यमन, और काफ़ी मतलब उसमें अरब अमारात में जो मुल्क आ जाते हैं उसके लिए जो है जस्ट, तो इजीली मतलब वीज़ा ले सकते हैं, जिसमें आप उम्रा भी कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये सबसे मतलब मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप मतलब सस्ता वीज़ा है, बहुत ही सस्ता वीज़ा है, तो अप्लाई करें। और अगर आप लोग मतलब जाते हैं सऊदीया में, तो भाई के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आप जल्दी बुलाए सऊदीया में, अपना घर दिखाए। दूसरा एक कल हमारे साथ जो सीन हुआ है वो है कि मतलब हम वहाँ गए थे समंदर पे, वो गए तो हम लोग काम से थे, मतलब डिलीवरी थोड़े, तो उस टाइम में मतलब शॉप बंद थी, तो हम लोग रुक गए थोड़ा, चलो बैठे थे तो समंदर के पास चले गए। लड़का कहता चलो थोड़ी फ़ोटो शोटो बनाते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। तो वहाँ गए हैं तो किनारे पे काफ़ी मतलब हवा चल रही थी, समंदर की लहरें जो हैं काफ़ी मतलब तेज़ थी। तो बैठे हैं जनाब जी, तो अचानक से ना कोई होगी मतलब किलो के करीब होगी मछली, काफ़ी बड़ी थी मछली, मतलब छोटी मछली नहीं थी, तो वो आई है लहर के साथ ना। हम लोग पास ही बैठे हुए थे तो लड़के ने देख लिया, कहता वो मछली आई है, पकड़ो इसको जल्दी से ना, पकड़ ले। तो मुझे एक तो नहीं पता था कि मतलब ये काटती है या वो कंडा मार देती है, क्या किया उसने पता नहीं, उन्होंने खून तो कर दिया। खैर उसको मैंने हाथ से पकड़ा है, बाहर तो फेंक दिया, लेकिन उसने मुझे काट दिया, हाथ पे काटा है उसने या क्या किया करना, मैं पकड़ा मैंने पीछे से, तो जाहिर सी बात है मुझे पता नहीं लगा उस समय अचानक से, लेकिन जो है काफ़ी ज़ोर से बाइट किया उसने। ये देखे जनाब, ये मछली थी और जिसने जो किया ना, तो खानी भी नसीब नहीं हुई है। आल देखें क्या कहीं हाथ का कोना कौन कर दिया, तो प्लीज़ बी केयरफुल, हाँ एहतियात कीजिएगा। एहतियात कीजिएगा, मछली को कभी भी हाथ से ना पकड़िएगा, तो एहतियाती तदबीर अजमाइएगा। मछली तो चलो हमें नहीं मिली वो, क्योंकि एक ही दाना था, तो हम रूम में काफ़ी लोग थे, तो लेके आता तो क्या मिलना था, एक पीस भी नहीं मिलना था। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे, अभी इतनी दूर क्या लेके जानी है, तो वहाँ पे एक मलवारी था तो उसको दे दी भाई को, चलो खाएगा मज़े से, चावलों के साथ खाते हैं, बहुत लाइक करते हैं बांग्लादेशी मलवारी जो लोग हैं, उमानी भी काफ़ी लाइक करते हैं मछली को, मतलब चावलों के साथ, जहाँ पे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं तो इसके साथ मतलब बहुत अच्छा। तो दूसरा मतलब बात कहने की ये था कि बात एहतियात कीजिएगा थोड़ा सा, मतलब ना मछली को पकड़ दे, मेरा तो चलो जो होना तो हो गया, आप लोग मतलब एहतियात कीजिएगा। दूसरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भाई को ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी नवाजिश होगी। दूसरा सलाम वालेकुम, चलते हैं फिर, सलाम।